Hello and welcome back to the channel. Presenting to you today's recipe coming right from the center of India, Nagpur. तो आज हम बनाने जा रहे हैं नागपुर का बहुत फेमस तरी पोहा। हम शुरू करेंगे तरी बनाकर। इसके लिए हमें कुछ मसाले फ्राई करने होंगे। सबसे पहले एक पैन में थोड़ा तेल डालिए, उसमें हम डालेंगे 2 मीडियम प्याज, खोपरा, लौंग, कलमी और काली मिर्च। 2 से 5 मिनटों तक मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह भून लीजिए। जब प्याज थोड़ी लाइट ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लीजिए और ठंडी कर एक स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। जस्ट गिविंग यू हेड्स अप, तरी बनाने के लिए तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। जब तेल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे जीरा, राई, एट दिस पॉइंट तेज पत्ता भी, पर मैं डालना भूल गई थी इसलिए मैं बाद में डाल रही हूँ। हम इसमें डालेंगे 2 चुटकी हींग, और जब ये क्रैकल होने लगे तो हम इसमें हमारा पीसा हुआ अनियन पेस्ट डाल देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तरी का स्वाद तभी अच्छा आएगा जब आपके मसाले अच्छी तरह भुने हों। अब हम इसमें हमारे सूखे मसाले भी ऐड कर लेते हैं, जैसे हल्दी, धनिया पाउडर, काला मसाला, आप चाहो तो इसमें गोड़ा मसाला भी डाल सकते हो, रेड चिली पाउडर। कलर के लिए आप कश्मीरी लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे टमेटो प्यूरी। अगर आपके पास चना मसाला या छोले मसाला हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। टमाटर को पकने में हेल्प करने के लिए हम डालेंगे सॉल्ट। इस तरी में हम काले चने का इस्तेमाल करते हैं, तो आप काले चने भी बॉईल करने चढ़ा सकते हो। चनों में सिर्फ नमक और पानी डाल के उन्हें 4 से 6 सीटियां दे दीजिए। क्योंकि मैंने ऑलरेडी चनों में नमक डाला था, तरी में नमक मैं थोड़ा कम रख रही हूँ। इसमें आप कसूरी मेथी डाल दीजिए। कुकिंग कंट्रोल करने के लिए आप ओकेशनली इसमें थोड़ा पानी ऐड कर सकते हो। मैं इसमें चने का ही पानी डाल रही हूँ। मसाले ऑयल छोड़ने लगे तो समझ जाइए कि मसाले पूरी तरह पक चुके हैं। अब इसमें हम अपने बॉईल किए हुए चने पानी के साथ ऐड कर देंगे। अब इसमें हमने डालना है डाइस्ड टमेटोस और हरी मिर्चें। इसे ढककर 10 से 15 मिनट तक हम ऐसे ही पकने देंगे। चलिए तब तक हम अपना पोहा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले हम पोहा साफ कर उसे अच्छी तरह धो लेंगे। धोते वक्त हल्के हाथों का इस्तेमाल करें। आप एक्सेस पानी स्क्वीज आउट कर सकते हो, पर प्लीज डू नॉट अप्लाई अ लॉट ऑफ प्रेशर। जब पोहा धुल चुका हो तो इसे साइड रख दीजिए। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम कीजिए। ओके गाइस, सो हियर मी आउट। जब हम यूजुअली पोहा बनाते हैं तो उसी में सेंग दाने डाल देते हैं, ग्राउंडनट्स आई मीन, पर एंड तक हमारे ग्राउंडनट्स ऑलरेडी नरम हो जाते हैं, इसीलिए मैं हरी मिर्चें और ग्राउंडनट्स फ्राई करके पहले ही साइड में रख दूंगी और सर्व करते वक्त इन्हें डालूंगी। गिव दिस मेथड अ ट्राई वंस एंड लेट मी नो इफ इट वर्क्स फॉर यू। अब उसी तेल में हम हमारी राई डालेंगे। क्रैकल होना शुरू करते ही हम इसमें डालेंगे करी पत्ते, हरी मिर्चें। इसमें प्याज डालने से पहले आलू डाल देती हूँ, जिससे मुझे आलू बॉईल करके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और आलू तेल में ही अच्छी तरह पक जाते हैं। आलू पकने के लिए थोड़ा सॉल्ट ऐड करेंगे। जब आलू पकने लगे तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। आप प्याज पहले से भी काट कर साइड रख सकते हो। अच्छी तरह मिला लीजिए। सूखे
मसालों में हमें सिर्फ हल्दी डालनी है। और कुछ एक चुटकी हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। हमने जो पोहा साइड में धोकर रखा था वो भी अब इसमें डाल दीजिए। स्वाद अनुसार नमक ऐड कीजिए। ध्यान रखिए हमने आलू के लिए भी इसमें थोड़ा नमक डाला था। ऊपर से हम डालेंगे फ्रेशली चॉप्ड धनिया पत्ते। और जब तक पूरा सफेद पोहा पीला ना हो जाए इसे हल्के हाथों से अच्छी तरह मिला लीजिए। आखिर में ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस स्क्वीज करके डालेंगे और फिनिशिंग टच के लिए थोड़े से और फ्रेशली चॉप्ड धनिया पत्ते। हमारा पोहा भी तैयार है। चलिए इसे असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम पोहा लेंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे हमारे फ्राइड पीनट्स, थोड़ा कच्चा चूड़ा या सेव और चूड़ा, दैट इज नथिंग बट जो हम घर में चूड़ा बनाते हैं वो। और अब हमारी स्टार इंग्रेडिएंट गर्मा गर्म तरी। If you ever get a chance to visit Nagpur, this is something you really got to try here. और नागपुर ना आ पाओ तो अपने किचन में ही ट्राई कर लें। आप चाहो तो चने के साथ इसमें मोट मूंग मसूर भी ऐड कर सकते हो। हमने तो बचपन से चने वाली ही खाई है। So do try this authentic Nagpur tari poha and let me know how it turned out. तो बनाने के लिए लगे हुए सारे ingredients आपको नीचे description box में मिल जाएंगे। और वहाँ हमारा इंस्टा और फेसबुक हैंडल का लिंक भी है, तो उसे भी जरूर चेकआउट करें। डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और तब तक के लिए दुआ में याद रखें, खुद का ख्याल रखें। बाय बाय।